नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को सुरेंद्रनगर जिला सहकारी बैंक लिमिटेड के नव निर्मित भवन का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ई लोकार्पण किया। कहा, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में जल्द ही नई सहकारिता नीति पूरे देश में होगी लागू। देश भर में लकड़ी, बांस और अन्य वन्य उपज की निर्बाध आवाजाही के लिए नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम NTPS वन नेशन वन पास का शुभारंभ। कृषि, वानिकी और वृक्ष उत्पादन को बढ़ावा मिलने के साथ ही संपूर्ण मूल्य श्रृंखला को मिलेगा प्रोत्साहन। आवासन और शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत देश में 57 लाख से अधिक रेहड़ी पटरी दुकानदारों को मिला लाभ। लाभार्थियों में 45% महिलाएं और 72% वंचित वर्गों से। उत्तर भारत में ठंड और घने कोहरे से सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त। कोहरे के कारण विजिबिलिटी कम होने से सड़क, ट्रेन और हवाई यातायात प्रभावित। मुख्य समाचार के बाद खबरें विस्तार से। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को सुरेंद्रनगर जिला सहकारी बैंक लिमिटेड के नव निर्मित भवन का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ई लोकार्पण किया। इस अवसर पर अमित शाह ने कहा कि आज का दिन सुरेंद्रनगर जिले के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जब सुरेंद्रनगर जिला सहकारी बैंक के अति आधुनिक मुख्यालय का लोकार्पण हो रहा है। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सहकारिता को प्रोत्साहन दिया है, उसी प्रकार आने वाले दिनों में ये बैंक सुरेंद्र नगर जिले में हर क्षेत्र की सहकारी समितियों के प्रति सभी जिम्मेदारियां निभाएगा। अमित शाह ने कहा कि इस भवन के निर्माण में कुल 10 करोड़ रुपए की लागत आई है, जिसमें 100 से अधिक लोगों की क्षमता वाला कॉन्फ्रेंस हॉल, 1000 से ज्यादा लॉकर और उन्नत गोल्डन लॉकर की व्यवस्था के साथ ही संपूर्ण कंप्यूटराइज्ड कोर बैंकिंग सुविधा उपलब्ध होगी। केंद्रीय सहकारिता मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में जल्द ही नई सहकारिता नीति पूरे देश में लागू हो जाएगी। इसके अलावा विश्व की सबसे बड़ी खाद्य अन्न भंडारण योजना जैसी अनेक योजनाएं चलाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने के लिए अगले 25 साल के लिए कोऑपरेटिव की कल्पना के साथ ये सहकारिता नीति आ रही है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि आने वाले वर्षों में गुजरात सहकारिता के क्षेत्र में देश में पहले स्थान पर होगा। अगली खबर। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन तथा श्रम और रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव ने शुक्रवार को देश भर में लकड़ी, बांस और अन्य वन्य उपज की निर्बाध आवाजाही के लिए पूरे भारत में नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम NTPS का शुभारंभ किया। वर्तमान में राज्य विशिष्ट पारागमन नियमों के आधार पर लकड़ी और वन उपज के परिवहन के लिए पारागमन परमिट जारी किए जाते हैं। NTPS की कल्पना वन नेशन वन पास व्यवस्था के रूप में की गई है, जो पूरे देश में निर्बाध पारागमन को सक्षम बनाएगी। ये पहल देशभर में कृषि वानिकी में शामिल वृक्ष उत्पादकों और किसानों के लिए एक एकीकृत ऑनलाइन मोड प्रदान करके लकड़ी पारागमन परमिट जारी करने को सुव्यवस्थित करेगी, जिससे व्यापार करने में आसानी होगी। इसके प्रभाव केवल कृषि वानिकी और वृक्ष उत्पादन को प्रोत्साहित करने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये संपूर्ण मूल्य श्रृंखला को प्रोत्साहित करने में भी गारंटी देता है। और 28 राज्यों के स्ट्रीट फूड विक्रेताओं के जीवान समुदाय को शुभकामनाएं देते हुए आवास एवं शहरी कार्य और पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने शुक्रवार को नई दिल्ली में राष्ट्रीय स्ट्रीट फूड फेस्टिवल 2023 का उद्घाटन किया। इस स्ट्रीट फूड फेस्टिवल का आयोजन नेशनल एसोसिएशन ऑफ स्ट्रीट वेंडर्स ऑफ इंडिया द्वारा 29 दिसंबर से 31 दिसंबर 2023 तक जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में किया जा रहा है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री ने स्ट्रीट वेंडर्स के सशक्तिकरण में प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि PM स्वनिधि योजना की भूमिका पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि कोविड महामारी के दौरान शुरू की गई PM स्वनिधि योजना कई लोगों के लिए आशा की किरण बन गई है। पिछले 2 वर्षों में इसने पर्याप्त ऋण वितरित किए हैं, डिजिटल लेन देन की सुविधा प्रदान की है और यहाँ तक कि खाद्य वितरण प्लेटफॉर्मों के लिए दरवाजे भी खोले हैं। इससे न केवल वित्तीय सहायता मिली है, बल्कि हमारे स्ट्रीट वेंडर्स के लिए बाजार तक पहुँच का भी विस्तार हुआ है। उन्होंने कहा कि इस योजना से 57.83 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को फायदा हासिल हुआ है। योजना है प्रधानमंत्री आवास योजना, स्मार्ट सिटीज, स्वच्छ भारत अभियान, पर ये एक बड़ी इनोवेटिव स्कीम थी। स्ट्रीट वेंडर्स हैव आइडेंटिफाइड, दे हैव
सर्टिफिकेट्स ऑफ वेंडिंग, देर आर वेंडिंग कमिटीज एंड बाय एंड लार्ज इन मोस्ट सिटीज ऑफ द कंट्री देयर प्रॉब्लम्स आर बीइंग डेल्ट विद, दे हैव गॉट डिग्निटी, दे हैव द फ्रीडम टू प्लाई देयर ट्रेड एंड आई थिंक दैट इज गुड न्यूज। और अब बात करते हैं विकसित भारत संकल्प यात्रा की। उत्तर प्रदेश में विकसित भारत संकल्प यात्रा की प्रतिभागियों की संख्या हर दिन बढ़ती जा रही है। मथुरा के गोकुल में स्थानीय सांसद हेमा मालिनी ने केंद्र की योजनाओं पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम के दौरान लाभार्थियों को प्रमाण पत्र भी दिए गए और लाभार्थियों ने अपने जीवन में आए बदलावों के बारे में बताया। जिले के गोकुल में विकसित भारत संकल्प यात्रा पहुंची तो लोगों ने भव्य स्वागत किया। इस दौरान लोगों को सरकार की योजनाओं के बारे में बताया गया। कार्यक्रम में मथुरा की सांसद हेमा मालिनी ने सरकारी योजनाओं के बारे में जनता को बताते हुए कहा कि गोकुल में लगभग 600 लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला है। देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, प्रदेश के मुखिया योगी जी के नेतृत्व में, जो हमारा पूरे देश में, हर प्रदेश में, हर जनपद में, हर ग्रामीण अंचल, हर पंचायत, ग्राम पंचायत तक विकसित यात्रा हमारी चल रही है। ये भी जो कार्यक्रम आयोजन किया गया है, उस विकसित भारत जो हमारी यात्रा चल रही है, उसी का एक पार्ट है। लाभार्थियों ने मेरी कहानी मेरी जुबानी पहल के अंतर्गत बताया कि सरकार की योजनाओं से उनके जीवन में बड़ा बदलाव आया है। बच्चों के लिए फर्नीचर व्यवस्था है, आरओ का जल व्यवस्था है, और तुम्हारी अलमारी है सुरक्षित व्यवस्थित रखने के लिए, ड्रेस है, जूते हैं, जुराब है, बहुत ही अन्य ऐसी व्यवस्था चीज जो हर गरीब आदमी इस चीज को नहीं सोच सकता था, वो चीज भाजपा सरकार ने, माननीय नरेंद्र मोदी और योगी जी ने जो काम गरीबों के लिए किया है। क्योंकि ऐसा था पहले, जैसे पैसे वालों के लिए तो प्राइवेट संस्था है, गरीब आदमी के लिए कोई संस्था नहीं थी पढ़ने के लिए। तो इस मुहिम को आगे बढ़ाते हुए देश के, प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा जो ये अभियान चलाया गया साक्षरता के लिए, मोदी जी के राज्य में जो भी योजनाएं आई हुई हैं उसमें सबसे ज्यादा फायदा महिलाओं का हुआ है। जैसे हम स्वयं सहायता समूह का अगर नाम लें तो स्वयं सहायता समूह पे अभी तक कोई ऐसे काम नहीं आए थे, लेकिन उसके बाद में इतना काम आया है कि नगर निगम डूडा द्वारा हम लोगों ने बहुत सी योजनाओं का लाभ लिया है। प्रधानमंत्री जी को मैं बार बार हृदय से अभिनंदन करता हूँ। उनकी दी हुई योजना, उनके यहाँ जो लेता हूँ मैं किसान सम्मान निधि को, मैं अपनी खेती में सुचारू रूप से बीज ला के अपनी उत्तम खेती को अच्छी तरह से पालन करता हूँ। विकसित भारत संकल्प यात्रा उत्तर प्रदेश में शानदार प्रदर्शन कर रही है। प्रतिभागियों की संख्या के मामले में प्रदेश पहले नंबर पर बना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। उत्तराखंड में विकसित भारत संकल्प यात्रा जारी है। यात्रा को लेकर लोगों में खासा उत्साह दिखाई दे रहा है। अब तक इस यात्रा में प्रदेश के 14 लाख से ज्यादा लोग शामिल हुए हैं। भारत संकल्प यात्रा बागेश्वर जिले के तुपेड़ पहुंची, जहां ग्रामीणों ने सूचना, शिक्षा और संचार वैन का जोरदार स्वागत किया। यात्रा के माध्यम से ग्रामीणों को सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। कार्यक्रम के दौरान मौजूद ग्रामीणों के स्वास्थ्य की जांच भी की गई। विकसित भारत संकल्प योजना थी वो आज हमारे ग्राम पंचायत में पहुंची है। इसका उद्देश्य ग्राम पंचायत में जो भी सरकार की, केंद्र सरकार की जो भी जनकल्याण योजनाएं हैं उनकी जानकारी देने के लिए आज वैन के माध्यम से ग्राम पंचायत में वैन पहुंची है। ग्रामीण इलाकों के लोगों को IEC वैन का बड़े पैमाने पर फायदा हो रहा है। वैन जहां जहां जा रही है लोगों को केंद्र सरकार की सभी जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी मुहैया करवा रही है। मुझे मातृ वंदना के तहत 5,000 रुपए प्राप्त हुए थे और उससे हमें बहुत ज्यादा हेल्प हुई थी, लाभदायी है, मोदी जी के लाभदायी, उनके धन्यवाद। गैस हमको मिला है मोदी जी के द्वारा। हम जंगलों में लकड़ियां लेने जाते थे, खाना बनाने के लिए हमको लकड़ियों की जरूरत पड़ती थी। उन्होंने हमको जब से गैस की सुविधा दे रखी है उज्ज्वला, तब से हम घर ही में खाना बनाते हैं, हमको धुआं भी नहीं लगता है। मेरे इंटर के बाद गौरा कन्या धन के तहत कन्या धन का आभार प्राप्त हुआ, जिससे मैं सरकार, मोदी सरकार को धन्यवाद कहना चाहती हूँ। मोदी जी ने हमें शौचालय की सुविधा दी है। पहले से हमें जंगलों में, गधेरों में जाना पड़ता था और जंगली जानवरों का डर रहता था, अब बच्चों के लिए भी सुविधा हो गई है। अगर अकेले उत्तराखंड की ही बात करें तो विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान आयोजित स्वास्थ्य शिविरों में राज्य में अब तक करीब 2.5 लाख लोगों ने अपनी सेहत की जांच करवाई है।
वहीं राज्य में 22,000 परिवारों को उज्ज्वला योजना के तहत पंजीकृत किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। कृषि क्षेत्र में ड्रोन तकनीक देश में नवाचार के संदर्भ में क्रांतिकारी बदलाव की प्रतीक बन रही है। कृषि में ड्रोन के उपयोग से किसानों को होने वाले फायदों और युवाओं के लिए रोजगार के अवसरों के विषय पर हमारे संवाददाता ओपी यादव ने बात की देश के जाने माने ड्रोन इनोवेटर दीपक भारद्वाज से। भारत सरकार कृषि क्षेत्र में हाईटेक एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने के लिए लगातार काम कर रही है और इसी को लेकर न केवल कृषि क्षेत्र में नवाचार हो रहे हैं बल्कि ड्रोन जैसी तकनीक काफी सफल हो रही है। अभी हमारे साथ इस विषय पर बात करने के लिए ड्रोन इनोवेटर के नाम से विख्यात दीपक भारद्वाज मौजूद है। दीपक जी, आप युवा भी हैं और ड्रोन के मामले में देश दुनिया में आप जाने भी जाते हैं, कितना सफल है ड्रोन का प्रयोग कृषि क्षेत्र में? हमारी कंपनी ने पूरे इंडिया के अंदर ड्रोन सप्लाई किए हैं और हमारा इंटेंट है एग्री एंटरप्रेन्योर्स डेवलप करना। हमने पूरे इंडिया में एग्री एंटरप्रेन्योर्स डेवलप करे जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। उसके फायदे क्या आ रहे हैं? किसान को जो पहले हज़ारों बीमारियाँ होती थी स्प्रे के कारण, वो नहीं हो रही हैं। मात्र 7 से 10 मिनट के अंदर एक एकड़ पे स्प्रे कर सकता है, चाहे वो कितना ऊंचा गन्ना हो या फिर पानी लगा हुआ धान हो। उसके अलावा लोगों का यील्ड बढ़ रहा है। पंजाब के अंदर हमने जो पिछले सीज़न के अंदर ट्रायल किए थे उनका हमने मंडी में जाके इवेल्यूएशन कराया, तो कोई कहता है कि मेरा 1 क्विंटल बढ़ गया, कोई कहता 2 क्विंटल बढ़ गया, कोई कहता है मेरी धान ज़्यादा अच्छी हुई है, मेरा दाना अच्छा हुआ है, दाना चमकीला हुआ है। लोगों के बहुत सारे पॉजिटिव फीडबैक हैं। किसान को सबसे बड़ा फ़ायदा जो हो रहा है, उसका जो पर एकड़ जो उसकी कमाई थी वो करीबन 4 से 5 हज़ार रुपये बढ़ जा रही है। उसका एफर्ट ज़ीरो लग रहा है, उसकी लेबर पे डिपेंडेंसी ज़ीरो हो चुकी है। आज के टाइम में कोई भी फार्मर है, कोई भी लेबर है, वो अपनी सेहत को प्रोटेक्ट करना चाहता है। कोई भी नहीं चाहता कि उसे कैंसर हो, कोई भी नहीं चाहता उसे दमा हो। तो हम किसानों को, लेबर को उस बहुत बड़ी समस्या से बाहर निकाल के लेके आ रहे हैं। ड्रोन में युवाओं के लिए रोज़गार कितने हैं? देखिए, ड्रोन में अनलिमिटेड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी है, रोज़गार ही रोज़गार है। हम गांव के लेवल पे जो पढ़े लिखे किसानों के बच्चे हैं, फिर एग्री एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनको हम लोग डेवलप करते हैं एज एग्री एंटरप्रेन्योर। उनको हम लोग एग्री इंफ्रा फंड के तहत भारत सरकार की जो स्कीम है उसमें लोन प्रोवाइड कराते हैं। 90% तक लोन होता है, अनसिक्योर्ड लोन है, कोई गारंटी, कोई आपको कोलेटरल नहीं देना है, सिर्फ 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। अब उसके बाद क्या है, आपने मान लीजिए 1 लाख रुपये लगा के एक ड्रोन ले लिया। अभी मध्य प्रदेश के अंदर हमारे पास बहुत सारे केसेस हैं, हरियाणा पंजाब में तो केसेस हैं, एक एक जो एग्री एंटरप्रेन्योर है एक एक ड्रोन से 4,000 एकड़ तक कर रहा है। तो किसान को हम उसके खुद के गांव में, खुद के क्षेत्र में, खुद के फील्ड में, कुछ नया नहीं सीखना है, खुद के फील्ड में 8 से 10 लाख रुपये एक्स्ट्रा कमाने का अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। प्रधानमंत्री जी इसको लगातार बढ़ावा दे रहे हैं ड्रोन तकनीक को, कृषि मंत्रालय लगातार मिशन मोड पर काम कर रहा है, केंद्र सरकार से कौन कौन सी मदद इसमें मिल सकती है, कोई युवा इस फील्ड में आना चाहे? सबसे बड़ा जो उन्होंने अपॉर्चुनिटी दिया है वो है एग्री इंफ्रा फंड के अंदर जो लोन प्रोवाइड कर रहे हैं, तो अनसिक्योर्ड लोन जो उन्होंने दिया है वो एक वरदान साबित हो रहा है सभी एग्री एंटरप्रेन्योर्स के लिए। किसान भाई उसे बहुत पसंद भी कर रहे हैं। दूसरी तरफ हर स्टेट के अंदर इन्होंने सब्सिडी दी है और प्रधानमंत्री जी, देखा जाए तो ड्रोन इंडस्ट्री को लीड प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, हम लोग वी आर जस्ट फॉलोइंग। तो प्रधानमंत्री जी ने अभी 15,000 महिलाओं के लिए एक सेल्फ हेल्प, वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए 15,000 ड्रोन की स्कीम निकाली है, जिसमें उनको फ्री में ड्रोन दिया जाएगा, उनको ट्रेनिंग दी जा रही है। हम लोग खुद ट्रेनिंग दे रहे हैं पूरे नॉर्थ इंडिया में, नॉर्थ ईस्ट में हम लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं और लेडीज़ को अब हम लोग स्प्रे बिजनेस में लेके आ रहे हैं। तो देश के जाने माने ड्रोन इनोवेटर दीपक भारद्वाज, जिनका मानना है कि ड्रोन तकनीक के जरिए कृषि क्षेत्र में न केवल वो युवाओं को प्रोत्साहन दे रहे हैं बल्कि कई तरह के रोजगार, व्यापार और कारोबार की संभावनाओं को बढ़ाने का काम भी कर रहे हैं। मेरे सहयोगी कैमरामैन राहुल चोपड़ा के साथ मैं ओपी यादव, डीडी न्यूज, दिल्ली। और आइए बात करते हैं काशी तमिल संगमम की। वाराणसी में चल रहा काशी तमिल संगमम के दूसरे संस्करण का अंतिम दिन है। काशी तमिल संगमम के आयोजन ने उत्तर और दक्षिण की डोर को और भी मजबूत कर दिया है। आयोजन के दौरान 1400 डेलीगेट्स ने काशी, अयोध्या और प्रयागराज का भ्रमण किया। 17 दिसंबर को 200 छात्रों का पहला प्रतिनिधिमंडल बनारस पहुंचा। इसके बाद लेखक, किसान, व्यवसायी, आचार्य सहित सात दल काशी पहुंचे। नमो घाट पर बनारस घराने और तमिल कलाकारों ने 12 दिन तक लगातार सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। 12 दिनों में 108 प्रस्तुतियों में से 200 से अधिक कलाकारों ने प्रस्तुतियां दी। इस बार पुडुचेरी के भी कला, संगीत और शिक्षा से जुड़े विद्वान शामिल हुए।
काशी तमिल संगमम स्वदेशी उत्पादों के प्रचार प्रसार का भी माध्यम बन रहा है। ऐसा ही कुछ हो रहा है मिलेट्स के स्टॉल पर। डीजी न्यूज ने जाना कि आखिर क्या खास है मिलेट्स के इस स्टॉल पर। ये एक स्टॉल है मिलेट का, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने लगाया है, भारत सरकार ने, नमो घाट पर। काशी तमिल संगमम में तरह तरह के स्टॉल लगे हैं, ये मिलेट का स्टॉल है। चूँकि यहाँ के सांसद और देश के प्रधानमंत्री ने प्रयास किया है, लोगों से आग्रह किया है कि मिलेट का प्रयोग करें, और देखकर बड़ा खुशी हुई कि काफ़ी संख्या में, भारी संख्या में लोग यहाँ पर आ रहे हैं, प्रोडक्ट्स के बारे में जान रहे हैं और ख़रीद भी रहे हैं। इस स्टॉल के जो इंचार्ज हैं उनसे हम बात करेंगे। दीपक जी, ये स्टॉल पे कैसा आपको रिस्पॉन्ड मिल रहा है और लोग किस तरह की बातें आपसे समझना चाह रहे हैं? हमने यहाँ पे मिलेट के प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले किया है और यहाँ काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है। ये सभी न्यू एज प्रोडक्ट्स हैं। हम पुराना अनाज ज़रूर यूज़ कर रहे हैं, बट नए प्रोडक्ट्स हैं, ग्रनोला है, मूसली है, स्प्राउटेड मिलेट्स हैं। तो वाराणसी में यहाँ बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है। बहुत ज़्यादा लोगों को पता नहीं है, बट बहुत लोग इंक्यूजिटिव हैं, काफ़ी क्वेश्चंस कर रहे हैं क्या है, किस चीज़ से बना है, और हमारी सेल भी काफ़ी अच्छी हो रही है। यहाँ पर लोगों को काफ़ी पसंद आ रहे हैं प्रोडक्ट्स। ये दीपक जी ने बताया जैसा कि लोग क्वेरी कर रहे हैं और साथ ही जानने के बाद खरीद रहे हैं, तो जो प्रधानमंत्री का, वाराणसी के सांसद का जो सोच है वोकल फॉर लोकल का, वो यहाँ पर फलीभूत होता दिखाई दे रहा है कि मिलेट्स के प्रति लोग जानकारी प्राप्त कर रहे हैं और साथ ही इनके प्रोडक्ट को खरीद भी रहे हैं। कैमरा पर्सन मुरलीधर पांडे के साथ डॉक्टर हरिकेश बहादुर सिंह गौतम, टीडी न्यूज़, नमोघाट, वाराणसी। देश के कई राज्यों में शीतलहर का सितम जारी है। उत्तर भारत में भी ठंड के साथ कोहरा बढ़ता जा रहा है। घने कोहरे से विजिबिलिटी भी कम हो गई है, साथ ही कई ट्रेन और हवाई यातायात भी प्रभावित हुए हैं। ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। मौसम विभाग ने दिल्ली, पंजाब और हरियाणा में घने कोहरे का रेड अलर्ट जारी किया है। और बात करते हैं मंडी भाव की, देखते हैं क्या रहा देश भर की मंडियों में भाव। देश में पैदा की जाने वाली मुख्य मिलेट फसलों यानी मोटे अनाज में ज्वार, बाजरा और रागी आते हैं। छोटे मिलेट फसलों में कोदो, कुटकी और सवा जैसी फसलों की खेती की जाती है। हमारे पूर्वज और किसान मोटे अनाज की पैदावार पर निर्भर रहे हैं। कृषि वैज्ञानिकों के मुताबिक कई दशक पहले देश में कुल खाद्यान्न उत्पादन में मोटे अनाज की हिस्सेदारी 40% थी। ये अनाज कम पानी और कम उपजाऊ भूमि में भी उग जाते हैं। ज्वार, बाजरा और मक्का जैसे मोटे अनाज में पौष्टिकता की भरमार होती है। यही वजह है कि इन्हें पोषक अनाज भी कहा जाने लगा है। भारत के 5 ऐसे राज्य हैं जहां सबसे ज्यादा मोटा अनाज का उत्पादन किया जाता है, जिसमें राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात और मध्य प्रदेश शामिल हैं। मोटा अनाज के निर्यात का हिस्सा कुल उत्पादन का सिर्फ 1% है। अनुमान है कि साल 2025 तक मोटे अनाज का बाजार मौजूदा समय में $9 बिलियन बजाय मूल्य से बढ़कर $12 बिलियन हो जाएगा। एपिडा के मुताबिक इस साल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अनाज उत्पादों में बढ़ोतरी हुई है। भारत में साल 2022-23 के दौरान 3,801.18 मीट्रिक टन से निहित अन्य अनाजों जैसे चावल, गेहूं, मक्का और श्री अन्न यानी मिलेट्स का निर्यात किया है, जिसकी कीमत 27.40 करोड़ रुपए है। भारत ने साल 2022-23 के दौरान वियतनाम, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, रूस, मलेशिया और कतर को निर्यात किया है। भारत में 16 प्रमुख किस्मों के मोटे अनाजों की खेती की जाती है। इसमें ज्वार, बाजरा, रागी, कोदो, सवा, कुटकी शामिल हैं। मोटे अनाज की पैदावार पर नजर डालें तो कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से साल 2023-24 के लिए जारी प्रमुख खरीफ फसलों के पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2023-24 के दौरान खरीफ मोटे अनाजों की पैदावार
351.37 लाख मीट्रिक टन अनुमानित है, जबकि 350.91 लाख मीट्रिक टन औसत मोटे अनाजों की तुलना में थोड़ी सी ज्यादा है। वहीं बात श्री अन्न की करें तो साल 2023-24 के दौरान श्री अन्न की पैदावार 126.55 लाख मीट्रिक टन होने की उम्मीद है। हाल ही में केंद्र सरकार ने विपणन सीजन 2024-25 के लिए रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है। एमएसपी में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी मसूर की दाल में 425 रुपए प्रति क्विंटल की हुई है। इसके अलावा सरसों का एमएसपी 200 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाया गया है। गेहूं और कुसुम के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 150 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी हुई है। वहीं बात जौ और चने की करें तो जौ की एमएसपी में 115 रुपए प्रति क्विंटल और चने की एमएसपी में 105 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाई गई है। गेहूं, जौ, चना, सरसों और मसूर दाल की एमएसपी पर नजर डालें तो रबी गेहूं की एमएसपी साल 2023-24 में 2125 रुपए प्रति क्विंटल थी, जिसे बढ़ाकर 2275 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया। रबी जौ की एमएसपी बीते साल 1735 रुपए प्रति क्विंटल थी, जिसे 115 रुपए बढ़ाकर 1850 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है। चने की बात करें तो साल 2023-24 में रबी चने की एमएसपी 5335 रुपए प्रति क्विंटल थी, जिसमें 105 रुपए की बढ़ोतरी की गई है और अब इसकी एमएसपी 5440 रुपए प्रति क्विंटल हो गई है। मसूर की दाल की एमएसपी में 425 रुपए की बढ़ोतरी हुई है और अब इसका न्यूनतम समर्थन मूल्य 6000 रुपए बढ़कर 6425 रुपए प्रति क्विंटल हो गया है। सरसों की एमएसपी पर नजर डालें तो इसकी एमएसपी साल 2023-24 में 5450 रुपए प्रति क्विंटल थी, जिसे साल 2024-25 के लिए 200 रुपए बढ़ाकर 5650 रुपए तय किया गया है। गौरतलब है कि सरकार खाद्य सुरक्षा बढ़ाने, किसानों की आय में इजाफा करने और आयात पर निर्भरता कम करने के लिए तिलहन, दलहन और मोटे अनाजों की उपज बढ़ाने के मकसद से फसल विविधीकरण को बढ़ावा दे रही है। और आइए बात करते हैं मौसमी खेती की। किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, देखते हैं। पश्चिमी बंगाल के तराई इलाकों के किसान इस समय आलू की फसल में मिट्टी चढ़ाने का काम करें। इसके साथ ही यहां पर मौसम नम होने के कारण आलू में झुलसा रोग का संक्रमण हो सकता है। ऐसे में किसान फसल की निरंतर निगरानी करते रहें। पश्चिम बंगाल के तराई इलाके में ही फूलगोभी, पत्ता गोभी, ब्रोकली और गांठ गोभी में खरपतवार के वृद्धि को कम करने के लिए खेतों में निराई गुड़ाई के अलावा जरूरत के हिसाब से सिंचाई करें। यहीं बड़ी इलायची में इस समय निराई गुड़ाई करें। इसके अलावा सूखी पत्तियों को खेतों से हटाएं और उसमें जरूरत के अनुसार सिंचाई करें। पश्चिम बंगाल के तराई इलाकों में सरसों, आलू और मटर में निराई गुड़ाई के अलावा सिंचाई करें। वहीं पश्चिम बंगाल के गांगेय जलोढ़ क्षेत्र में इस समय बोरो धान की नर्सरी लगाने का काम शुरू करें। इसके साथ ही यहां ये समय शीतकालीन फूलगोभी, टमाटर, मिर्च और बैंगन की नर्सरी लगाने के लिए उपयुक्त है। बुआई से पहले खेत तैयार कर मिट्टी को भुरभुरा बना लें और बीजों को उपचारित करने के बाद ही बुआई करें। वहीं उत्तर पश्चिम बिहार के जलोढ़ इलाके में किसान सब्जियों के खेतों से खरपतवार साफ करें। इसके साथ ही यहां सब्जियों में समय में सिंचाई भी करते रहें। वहीं उत्तर पूर्वी बिहार में किसानों को सलाह है कि वो जल्द से जल्द रबी मक्के की बुआई का काम कर लें। इसके साथ ही जल्दी बोई गई मक्के की फसल में निराई गुड़ाई करें और खेतों में नमी के आधार पर हल्की सिंचाई करें। यहीं प्याज की रोपाई का काम भी पूरा कर लें। दक्षिणी बिहार के किसान रबी मक्के की बुआई के लिए खेत तैयार रखें। इसके साथ ही यहां इस समय सरसों के खेतों में किसी प्रकार का छिड़काव न करें। इसके अलावा पछेती सरसों के खेतों में पहली सिंचाई के बाद अतिरिक्त पौधों को हटा दें। ये समय बैंगन की रुपाई के लिए अनुकूल है।
बैंगन की रुपाई करने से पहले खेतों को अच्छी तरह तैयार कर लें। रुपाई करते समय पौध से पौध की दूरी 60 सेंटीमीटर और पंक्ति से पंक्ति की दूरी 60 से 75 सेंटीमीटर रखें। किसान बैंगन की कई किस्मों की रुपाई इस समय कर सकते हैं, जैसे पूसा श्यामला। बैंगन की ये किस्म लंबे आकार की होती है। इस किस्म की बुआई पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में कर सकते हैं। इस किस्म की एक हेक्टेयर में 390 क्विंटल पैदावार ले सकते हैं। इसकी शाखाएं सीधी होती है और पौधा कांटा रहित होता है। पूसा पर्पल क्लस्टर की रुपाई भी की जा सकती है। ये किस्म उत्तरी भारत के मैदानी और पर्वतीय इलाकों के लिए अच्छी होती है। एक हेक्टेयर में 200 क्विंटल पैदावार ली जा सकती है। इसकी लंबाई 10 से 12 सेंटीमीटर होती है। इसका रंग गहरा बैंगनी होता है। इसके अलावा पूसा अंकुर की रुपाई की जा सकती है। इस किस्म का आकार गोल होता है। पूसा अंकुर राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में लगाने के लिए काफी अच्छी है। एक हेक्टेयर में 350 क्विंटल फसल ली जा सकती है। पूसा उत्तम भी लगा सकते हैं। इसका आकार भी गोल होता है। बैंगन की इस किस्म की रुपाई पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार और दिल्ली में की जा सकती है। रुपाई के तुरंत बाद पहली सिंचाई करें। बैंगन की फसल में तना और फल भेदक कीटों के हमले का खतरा बना रहता है। इससे बचाव के लिए किसान विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। और आइए अब जानते हैं कुछ और खबरें। खास खबर में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने करों का अनंतिम संग्रह विधेयक 2023 को मंजूरी दे दी है। वहीं राष्ट्रपति ने प्रेस और अवैधिक पंजीकरण अधिनियम 2023 को भी मंजूरी दी है। संसद के शीतकालीन सत्र के इन दोनों बिलों को पारित किया गया था। देश में कोरोना के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। देश भर में इस समय कोरोना के 3,997 एक्टिव मामले हैं। पिछले 24 घंटों में देश में कोरोना के 743 नए मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं पिछले 24 घंटों में 7 लोगों की मौत हुई है, जिसमें केरल में 3, कर्नाटक में 2, छत्तीसगढ़ और तमिलनाडु में 1-1 व्यक्ति की मौत हुई है। भारतीय नौसेना ने एडमिरलों की सकंद पट्टिकाओं के नए डिजाइन का अनावरण किया है। नौसेना ने बताया कि नई पट्टिका इस महीने की शुरुआत में सिंधुदुर्ग में नौसेना दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई घोषणा के अनुरूप है। दिल्ली में गणतंत्र दिवस परेड की तैयारियां जोरों शोर से हो रही हैं। सुबह कड़ाके की ठंड और घने कोहरे के बावजूद जवानों ने परेड की रिहर्सल की। बर्खास्त इंटरनेशनल का सदस्य और गैंगस्टर लखबीर सिंह लांडा को भारत सरकार ने आतंकवादी घोषित कर दिया। सरकार ने गैर कानूनी गतिविधि अधिनियम के तहत ये कार्रवाई की है। लखबीर सिंह कनाडा में रहकर भारत के खिलाफ आतंकी साजिशों में शामिल रहा है। प्रवर्तन निदेशालय ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पूछताछ के लिए समन भेजा है। मामला रांची में जमीन की खरीद फरोख्त में अनियमितता पाए जाने से जुड़ा है। ईडी ने हेमंत सोरेन से 2 दिन के अंदर पेश होने को कहा है और ऐसा न करने से सीधी कार्रवाई की बात कही है। तमिलनाडु के पुदुकोट्टई जिले के पास एक भीषण सड़क हादसा हुआ है, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई है, वहीं 19 लोग घायल हुए हैं। पुलिस के अनुसार त्रिची रामेश्वरम राजमार्ग पर एक ट्रक अनियंत्रित होकर एक चाय की दुकान में जा घुसा। घायल लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।